असलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, सबसे पहले हम आपको सुनाते होते हैं, आपको जैसे कि पता है हमेशा की तरह, सस्ती शायरी। और थोड़ी सी लंबी है और मैंने सिर्फ एक ही बार माइंड में रिवाइज़ की है और मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा ठीक से बोल पाऊँगा, बट ट्राई करते हैं। कि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से नहीं कर सकते हम ईद की तैयारी। वाह 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 वाह। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से नहीं कर सकते हम ईद की तैयारी। पबजी के बिना हमारी लाइफ ऐसे है जैसे पकौड़ों के बिना अफ्तारी। सस्ती शायरी विद नॉनी मस बाबा जी। वैसे ना गाइज, मेरे को लाइक अपना हिडन टैलेंट नज़र आ रहा है, निकलता हो हर वो कैसी कैसी शायरियाँ बना लेता हूँ, वो भी मैं विद इन 30 सेकेंड्स बनाई है मैंने। और फिर लाइक एक बार माइंड में रिवाइज किया और फिर बस रिकॉर्डिंग ऑन किया, बोल डाला, बस बिंदास बोल डाला। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये टैलेंट दिया अल्लाह पाक ने। तो गाइस, सब के सब ठोक दो लाइक बटन, दबा दो लाइक बटन, क्योंकि आज का गेम प्ले भी हमेशा की तरह आपको आपके चेहरे पे इंशाल्लाह मुस्कुराहट ले आएगा। हमने जम किया था गाइस कराची, अपने नोवो मतलब अपने कराची, और टू वर्सेस स्क्वाड खेल रहे थे। और ये वाला काफ़ी ट्रोलिंग गेम प्ले होने वाला है, ट्रोलिंग, और ये वाला स्क्वाड साथ में नीचे उतर रहा था। अब गाइस यहाँ पे ना एक इतनी टफ सिचुएशन हो जाएगी कि ज़ूबी जो है ना वो तीन बंदों से घिर जाएगा। अपने टीममेट को बचाऊंगा, लाइक वो तीनों साइड से घिरा होगा और हम जो है ना एनिमिस को सरप्राइज दे देंगे। और मज़े की बात, वो हमारे पाकिस्तानी भाई लोग थे। तो यप, मज़ा गेम प्ले था गाइस। और यहाँ पे पहले तो उतरते ना हमारा पिछवाड़ा ढींगा होने वाला है। यस, आपने सही समझा, हम उतरती होने वाले हैं नॉक, और वो कुछ ऐसे कि बाबू भैया के चक्कर में। अब यहाँ से हमने M16 उठाई और बाबू भैया ने ना हम बाबू भैया को मार रहे थे, बाबू भैया ने दे दी बद्दुआ हमें और फिर हमारे पिछवाड़े में पड़ गई गोलियाँ और फिर हम हो गए नॉक। अब यहाँ पे गाइस हम फंस चुके हैं बुरी तरह, हीलिंग नहीं है, गन भी ऑटो नहीं है और सामने वाला स्क्वाड करने वाला है हम पे रश। तो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो ख़तरे में आ गई है बाबा जी। बट पिंडी बॉय कहते हैं हमें, तो हम थोड़ा तो अकल इस्तेमाल करेंगे ना। आ गए कंटेनर के अंदर, रिलोड की, ब्रस्ट की और एम करके बैठ गए कि वहाँ से बंदे आ रहे थे। और ज़ूबी ने एक को नॉक किया, इसने ज़ूबी को नॉक किया, उसको मैंने कैसा छोटा सा एंगल लेके यहाँ पे फिनिश किया। लॉल, इन दोनों को, इसको करूँगा भाई को फिनिश। पीछे वाला रिवाइव होने जा चुका है, उसको रिवाइव देने के लिए बंदा आ रहा है। अभी तीन बंदे थे गाइस, एक को मैंने फिनिश कर दिया। बुरी बात यह है कि हम दोनों के पास हीलिंग नहीं है और सामने वाले अरबी हैं, अरबी। और ये 8-star एस का गेम प्ले, तो आप एंड में देख लेना। सामने डीपी पे ले रहे थे गाइस, बाबा जी ऐसे कैसे। तो गाइज हमने मौत को कुछ ज़्यादा ही छू लिया था इस बार, लेकिन टक से वापस आ गए। उसके बाद हमने अलादीन वाले कपड़े उठा लिए, जो कि हमें बड़े प्यारे लगते हैं ये। और ये मेरे पास है नहीं, बट मुझे ये कपड़े अच्छे लगते हैं जब एनिमीज़ के देखता था, तो फाइनली हमें ये वाले कपड़े मिले। और फिर हम गाइज लूट करते करते ना इस साइड आ गए थे, क्योंकि पाकिस्तानी स्क्वाड ना फॉरेंस ने रश किया उन्होंने, तो हम लोग फंस चुके थे। मेरे पास हीलिंग नहीं थी, एक तो हीलिंग नहीं थी, दूसरा मेरे पास ऑटो गन नहीं थी। तो वो लोग थे घरों वाली साइड पे, और मैं ज़ूबी को बोला, ज़ूबी मुझे कह रहा था कि भाई ना घरों की साइड से रोटेट कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, उनको यही लगेगा कि घरों वाली साइड गए हैं, तो हम अपोजिट साइड जाते हैं, हम उनसे अलग उल्टा सोचेंगे। लाइक जो हम लोग सोचते ना, सामने वाला भी वही सोच रहा होता है ज़्यादातर। तो आप अपनी सोच से उल्टा सोचोगे ना, तो काफ़ी समटाइम अच्छा हो जाता है, मतलब उल्टी सीधी बातें विद एनोनिमस। यस, तो उसके बाद यहाँ पे मैं गन चेंज करता हूँ, M16 दे दूँगा ज़ूबी को, उससे ले लूँगा स्कारल, और फिर हम रोटेट करके पहुँच जाते हैं अपने अनोनिमस हाउस के पास। अब मैं आ गया था गाइस, मैंने उसको बोला कि आज स्क्वाड्स में फाइट लेंगे, जो कि मतलब हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है स्क्वाड्स में फाइट लेने का। तो मैं तो आ जाता हूँ, लेकिन ज़ूबी को वो लोग ना तीन साइड से फंसा देते हैं। और एक बंदा और ज़्यादा वाइड एंगल लेने के लिए राइट से आएगा, उसको नहीं पता मैं यहाँ पे हूँ। अजय मेरे बाल माँ तेरा इंतजार है, चीनी की प्लेट में नींबू का अचार है। तो यहाँ पे स्कारल से गाइस मैंने अकमल भैया को किया नॉक, और अब दूसरे बंदे भी उस भी नॉक हो चुका है, अब दो बंदे बचे हैं इनके। ओ मैंने एडम भैया को भी, आदम है ये, एडम है, आई डोंट नो, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो भाई दिल से माफ़ी, अपनी अंग्रेजी आपको पता है वैसे ही कमज़ोर है। अब एक ही बंदा बचा गाइस, वो नज़र आया, अरे मेरा भाई जो है ना एक के डॉक्टर भैया हमारे टीपी पे ले रहे हैं कंटेनर पे, उनको हमारी पोजीशन नहीं पता थी। अब ये गाइस तीनों नॉक होगा और इनका एक बंदा गया होगा जरकी,
वो कर रहा होगा रैंक पुश, इन्होंने बोला होगा आज नोवो चले, उसने कहा नहीं भाई मर जाएंगे, उन्होंने कहा वही कोई बात नहीं हम तीन हैं हम नहीं मर सकते, ओ तो उसने बोला नहीं भाई मेरा रैंक हो जाएगा माइनस, मैं तो जर्की जाऊँगा मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, और फिर ये तीनों हो गए नॉक। अब वो वहाँ से ऐसे बोल रहा होगा ला 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 और जाओ नोवो, वो कुछ ऐसे बोल रहा होगा। तो वैसे उसके बाद हम आ गए थे ब्रिज पे, बाबा जी फिर जुबी को हीलिंग नहीं थी तो हमने उसको थोड़ी सी हीलिंग गिरा दी, और फिर हम ब्रिज पे गाड़ी के ऊपर उल्टा होकर लेट जाते हैं। ओके मैं मतलब ओके मतलब हम ऐसे करके लेट जाते हैं और वेट कर रहे थे गाड़ी का, तो एक गाड़ी आती है सामने से और हमारे पास एक कार नाइंटेड हमारी गर्लफ्रेंड। बाबा जी बेचारे का गलती हो गया था, और फिर जो भी भाग के जाते हैं उसकी गाड़ी कर देगा साइड पे और लूट करके आ जाएगा। फिर आती है गाइस दूसरी गाड़ी, इसमें भी सोलो बंदा आ रहा है, नहीं मतलब क्या स्क्वाड कहाँ है आपका स्क्वाड? ओए होए होए पास में लग जाते। तो गाइस यहाँ पे मैंने उसको नॉक दिया और फिर दोबारा से हम क्या करेंगे इसकी लूट करने के लिए आगे चले जाएंगे। जोन आ रहा था, अलाइव बहुत कम रह गए थे पता नहीं क्यों, बट समटाइम ऐसा होता है कि लॉबी अच्छी होगी बट अलाइव कम हो जाएंगे, और समटाइम ऐसा होता है कि लॉबी अच्छी होगी अलाइव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये वो था कि कम वाला। हमने आके थोड़ी सी बातें बातें की भाई से, मस्ती वस्ती कर रहे थे, और यहाँ पे ना वो मीम बन रहा था लाइक अमिताभ बच्चन के मुँह से खून निकल आता ना, मैंने कहा यहाँ पे वो वाला मीम डालेंगे। यहाँ पे कौन सा मीम बनता था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। इतने में पीछे शॉट पड़ता है, ये शॉट पता नहीं कैसे मिस हुआ बट हो गया, और फिर इसके भाई को मैंने भागते हुए मारा और किया नॉक। अभी जो पीछे बंदा बचा ना गाइस ये तो आ ही नहीं रहा था, ये पानी में कूद जाता है और फिर जोन भी स्टार्ट, मतलब दो मिनट हम इसी का वेट करते हैं गाइस, जोन में दो मिनट है और ये आता ही नहीं आगे। फिर जोन दूर था लाइक 1000 मीटर, इसके बाद गाड़ी भी नहीं थी और बोट से ये बैठा नहीं था बोट में, और हीलिंग इसके बाद इतनी होगी नहीं क्योंकि जोन का डैमेज काफ़ी था। बस फिर हमने डिसाइड किया गाड़ी ओके बाइक खड़ी थी बट ये शायद ये मर गया जोन से ओके ठीक है, और फिर ये जोन से मरा तो हम लोग गाड़ी लेके निकल गए आ गए दूसरे ब्रिज पे, और यहाँ पे जो है ना पहले जब फाइट हो रखी थी लेकिन बंदा कोई गैस हमें नज़र नहीं आ रहा था, बट कोई बात नहीं हमने आराम से ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद यहाँ पर मैं स्प्रे करता हूँ, यहाँ पर हमारा ना कनपट्टी के नीचे लगने वाली है गोली, टन ओके टन, थोड़ा लेट हो गया ओके कोई बात नहीं हो जाता, समटाइम ना बेइज्जती हो जाती है और ये हमारी बेइज्जती हो चुकी है। टन बोला गैस, मैं ब्रिज के ऊपर जा रहा था और यहाँ पे मुझे नज़र था सांप स्नेक स्नेक स्नेक, एंड देन आई एम मारिंग गोलियां टू स्नेक और यहाँ पे सांप फिनिश हो जाता है गाइस। और जॉर्डन भैया हमारे गए अब ब्रिज से, ये भाई मार रहे होते हैं पता नहीं वहाँ क्या कर रहे होते हैं मेरे भाई, और फिर हमने इनको हेडशॉट मारा। अब गाइस दो ही बंदे बचे थे और वो स्पॉट होता है उस पत्थर के पीछे, वो देखो पीक ले खड़ा है, ये लेवल 3 हेडशॉट लगा, आम होती तो भाई मेरा फिनिश हो जाता बट M24 थी तो हेलमेट ही टूटा होगा बस, और फिर मैं एम करके बता दिया कि बंदा ही आया। उसके बाद हम आराम से कर रहे थे वेट कि बाबा जी कभी तो मुंडी निकालोगे ओके दरवाजे की होती है कुंडी, भाई निकालो मुंडी ऐसे देख लो बस, हम ऐसे सस्ती शायरी बना देते हैं, दरवाजे की होती है कुंडी भाई निकालो मुंडी ओके, टेप से नोट को जोड़ेंगे और M24 से आपका हेलमेट तोड़ेंगे, मतलब क्या मतलब नहीं क्या कौन सी किस्म की शायरी है गाइस। और आप देख सकते हो रैंक, और फिर अभी एक गेम प्ले इतनी जल्दी ख़त्म हो गया था तो हम नहीं चाहते कि हम अपनी पब्लिक को इतनी जल्दी भेजते वापस, क्योंकि आपका रोज़ा होगा और आप रोज़े में थोड़ा सा इन्जॉय करो तो हम ज़रूर मतलब डबल गेम प्ले आपके लिए लेके आए इसीलिए। और फिर हम खेल रहे थे दूसरा मैच और ये भी हम इरंगल में खेल रहे थे, और इरंगल से ऐसा प्यार है ना हम सबको बस क्या बताएं, और नेक्स्ट सीज़न बोल रहे हैं कि मीरामार बहुत अच्छी अपडेट के साथ आ रहा है तो मीरामार खेल के देखेंगे अगर अच्छा लगा तो फिर मीरामार ज़्यादा खेलने लग जाएंगे। तो मुझे नहीं पता था गाइस बंदे और मैं यहाँ लूट करने के लिए आया, और उसने ऐसा गंदा गोला मारा मेरे पिछवाड़े पे, और फिर मुझे नज़र आ रहा था कि बंदा सामने, फिर मैं आराम से हील करने लगा क्योंकि मेरे तीनों टीममेट्स दूर थे। अब मुझे ज़रा आइडिया नहीं है कि ये एक बंदा है दो हैं तीन हैं चार हैं कुछ पता नहीं, तो यहाँ पर मैं वेट करने लगा अपने टीममेट्स का और आराम से बैंडेज मार रहा था। और मुझे एक बात पता थी, जैसे मेरा टीममेट मेरे पास आएगा ये अपनी खोपड़ी निकाल के मेरे टीममेट को मारने की कोशिश करेगा, मैंने उसे बता दिया था, लेकिन मैं रेडी था कि ये पीक ले, ये भाई पीक ले और हम इनके कान के नीचे लगा के इनको नॉक करें। और ये बेचारा अकेला सोलो स्क्वाड खेलने पोचिंकी आया हुआ था, इसका कोई टीममेट नहीं था, और पोचिंकी यानी पिंडी हम काफ़ी टाइम बाद आए थे, वरना कंटेनर्स और जो की सिटी और रोजॉक जा रहे थे। पोचिंकी में गैस कोई आता नहीं है और आप भी जाएँ तो लूट नहीं मिलती। मैंने अपने भाई को फिनिश किया, उसके बाद वही अपना जो लॉ ऑफ अनोनिमस यस के लूट का नो मजाक, टैप टैप एंड टीममेट को बोलो भाग यस।
हमने अपनी फिर मेहरान गड्डी उठाई लूट करने के बाद गए और बंदे ढूंढने के लिए निकले, और ऐसे उल्टी सीधी गाड़ी चलाते हुए हम पहुँचे कहाँ, हम पहुँचे रॉजॉक। और पहले गाइस मैं हिल पे रुका था, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे एक नॉक करके रश करते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ गेम प्ले हिल से, वो नॉक मैंने नहीं किया था, वो टीममेट ने किया था, तो वो पार्ट थोड़ा सा मैं कट किया। अब वो नॉक किया हमने हिल पे से, तो मैं यहाँ रश की सांप बन गए थे हमारे भाई जैसे, नहीं मतलब यहाँ मुझे बोलने के थे कि सर हमें तो आपको दिखा ही नहीं। अब एक गोली भाई को लगी, भाई अंदर घूम रहे हैं, और फिर मैं एक नेड करूँगा। मैं यहाँ पे एंगल ले रहा था कि यहाँ से शायद हाइट है ना एंगल मिले। फिर मैं अपने टीममेट को बोला भाई मैं ऐसी जगह नेट करता हूँ कि उसको डैमेज तो लाजमी होगा, क्योंकि वो सीढ़ियों पे टीपी पे ले रहा है, तो जैसे ही नेट फटे आप लोग रश कर देना। फिर मैं नेट फेंका और नेट उसके पास में जाके फटा होगा बूम, और वो लो हुआ होगा। तो मैं अपने टीममेट को बोला भाई चलो रश कर दो। फिर उन्होंने घुस के उसको मार दिया और मैं मज़े से क्रेट लूट रहा था बैठ के। और गाइज उसके बाद हम पहुंच जाते हैं ब्रिज पे, और ब्रिज पे ऑलरेडी बड़ा दंगा फसाद हुआ होता है, क्रेट्स पड़ी होती हैं, और ये वाला स्क्वाड ना बड़ा टॉप का स्क्वाड था, लाइक इतना अच्छा स्प्रे मार रहे थे ये लोग। मैंने इनको चेस किया जब मैंने सुना कि M249 है बाबा जी, तो मेरी ना थोड़ी सी लाइक ज़िंदगी मुझे खतरे में लगी, तो मैंने गाड़ी साइड पर रोक दी और ये लोग भी रुक गए ओपन में। ये काफ़ी अच्छा स्क्वाड था, लाइक गाइज आपको फायर से आइडिया हो जाता है, पर हमारे टीममेट्स जो इनको ले रहे थे ईजी, तो ये होने लगे टपा टप नॉक। तो मैंने भी एक नॉक दिया और इसके बाद हमारे दो नॉक हो गए थे, दोनों को रिवाइव दिया गया और वो लोग करेंगे रश। अब नहीं दोनों को रिवाइव नहीं हो पाता, नंबर 3 जो ना वैसे जगह नॉक हुई थी, उनको रिवाइव देना इम्पॉसिबल था, बहुत आगे थी ऊपर में वो, देखो गाइस वो रश कर रहे थे तो मतलब, और वो नीचे भी गिर चुके तो मतलब रिवाइव नहीं हो पाएंगे, साइलेंट रिवाइव हो गया था। हम दो ही बंदे बचे थे, दो हमारे बंदे यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। ये गाइस मुझे बताना स्नेट से कैसे नहीं फटा, ये देखो नहीं मतलब कैसे, ओके वो राइट पे आ गया था, हाँ ठीक है, अच्छा फिर स्नेट से कैसे नहीं फटा, हाँ ये नॉक कर दिया था, ओके कोई ना। तो ये दो नाइट गाइस मैंने किए थे, बट दोनों में हमारी थोड़ी थोड़ी बेइज्जती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। और एक नॉक हमारा है, या 1v1 फाइट थी और ऊजी थी भैया, ऊजी जो है ना वो बहुत काम की गन है, तो ऊजी के आगे आप जंप नहीं कर सकते। फिर हमने अपने टीममेट को दिया रिवाइव, और उसके बाद गाइस यहाँ जो लूट थी ना मैं क्या बताऊँ, मनी मतलब क्या, ऐसी प्यारी प्यारी लूट, ऐसी मज़ेदार लूट गाइस के बस दिल ना गुल गुल हो जाए। फिर हमने लूट की level 3 6x एड्रेलिन, पता नहीं एड्रेलिन इसको कुछ और ही बोलते हैं, बट मैं इसको बोलता हूँ एड्रेलिन, बस एड्रेलिन ऐसा कुछ नाम होता है, तो आप एक बार पढ़ना और उसके बाद कॉमेंट करना एड्रेलिन लाइन, यस वही। फिर यहाँ पे हमें हमारी पहली मोहब्बत AWM मिल जाती है, तो फिर हम टैप 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 करके उठाते हैं, लेकिन जगह नहीं होती बैग में, बट कोई बात नहीं बाबा जी। और फिर ये गाइस यहाँ से जा रही होती है बोट, और हम देते हैं बोट पे स्प्रे। अच्छा गाइस मुझे एक बात बताना, लाइक हम लोग की आदत होती है कि हम ना इंग्लिश के किसी वर्ड को या उर्दू के किसी वर्ड को बिगाड़ देते हैं, लेकिन जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं स्प्रे को ना स्प्रे बोलते हैं, स्प्रे, तो आप लाइक कौन सा वर्ड ठीक नहीं बोल पाते याद करो और फिर कॉमेंट में बताना। और गाइस वीडियो इन्जॉय करने के साथ साथ कॉमेंट सेक्शन भी बोल देते हैं बहुत से, देखा कॉमेंट सेक्शन जो है ना वो इन्जॉय किया करो, मज़े कमेंट्स होते हैं, एक दूसरे कमेंट्स लाइक किया करो, कमेंट में भी थोड़ा सा टाइम लगा के फिर जाया करो। तो अगर उसके बाद हम अपनी मेहरान गड्डी लेके जा रहे थे, और सामने जो है ना पूरा स्क्वाड ओपन में था, ये बोर्ड से उतर के आए थे, इनके पास गाड़ी नहीं थी, और हमारे सालन भैया जो है ना वो बस हमारी गाड़ी जाया करवा दी, बड़े ऊपर गाड़ी खड़ी थी, तो हम ये गाड़ी सालन भैया को बोलते हैं कि भैया आप वो गाड़ी लेके आओ और हम जा रहे हैं थोड़ा सा क्लोज, क्योंकि हमारे पास हमारी पहली मोहब्बत AWM। और फिर हम एकदम जोन के एच पर आ गए उन बंदों से फाइट लेने के लिए, मैं उनके क्लोज चला जाता हूँ। और यहाँ पे फिर मुझे नजर आते हैं भाई वो लेफ्ट से जा रहे हैं जोन में, क्योंकि इनके ऊपर जोन नहीं है, वो भाग रहे सर, ओ सर हमने तो आपको देखा ही नहीं। तो यहाँ पे हमने अपने भाई को दिया नॉक, एक बंदा इनका नॉक हो चुका है, दूसरे को मैंने मार्क किया था फौरन से। अब दर्द के पीछे एक और बंदा था, वो मुझे मतलब मैंने उस पर गौर नहीं किया, बट साइलेंट को नजर आया तो उसने उसको नॉक किया। अब ये इनके ये तीन ही थे गाइस, इनका तीसरा बंदा यहाँ पर होता है, आपको अभी नजर आया तो मैं इस पर करता हूँ जोन से बाहर ही रश, क्योंकि किल जो है ना वो मेरे कम थे और मैं चाह रहा था कि किल उठा लूँ यहाँ से, तो बस थोड़ा सा रिस्क लिया और जोन के बाहर मैं रश करने चला गया। ऐसे आप नहीं किया करो, अगर आप जोन काट के मतलब अपने एनिमीज का जोन काट दिया तो आप ऐसी फजूल हरकतें नहीं करो जैसी हम कर रहे हैं, वरना आपका क्रेडिट बन जाएगा, हमारा भी बन सकता था, बट अल्हम्दुलिल्लाह बच गए हम। और फिर जोन के बाहर लूट करने का अपना मज़ा होता है गाइस, फिर हमने बस हमारे टीममेट बोले जोन आ गया हेल्प जाइए आ जाओ जोन में, बट हमने कहा नहीं हम तो करेंगे लूट, बेशक बैंडेज भी मिले लेकिन मतलब क्रेट में कुछ भी हो कचरा भरा पड़ा हो बस देखेंगे खोल के एक बार के क्रेट में है क्या।
और फिर ऐसी तीनों क्रेट्स देखी और उसके बाद जाएंगे जोन में। भाई ऐसा नहीं जाया जाता, हमारा दिल मुतमइन नहीं होता, दिल नहीं मानता। फिर गैस यहाँ पर आया मैं गाड़ी रोकने के लिए एकदम मिडिल में हाइट पे, और जंप कर करके घरों में स्पॉट बंदे कर रहा था, एकदम लेफ्ट से साउंड आया, मेरी ज़िंदगी खतरे में आ गई। गैस गन पीछे रखी हुई थी मैंने, ओ भाई साहब दो तो बंदे। तो गैस यहाँ पे इन दोनों को नॉक किया और उसके बाद जो है ना तीसरे बंदे को साइलेंट मार देता, तीनों किल हमें मिल जाते हैं और अब काफ़ी कम रह गए थे बंदे। और फिर हमने यहाँ पे ड्रॉप लूटर अपनी जो कमीज़ है ना, यस कमीज़, उसको थोड़ा सा फ्रेश किया और फिर यहाँ पे हम नज़र आए सांप के बच्चे, सांप के बच्चे। फिर गैस दो हेडशॉट लगाए यहाँ पे और उसके बाद हमने फैसला किया कि हम रस करेंगे। फिर हमने उठाई अपनी गधा गाड़ी और ओके इसको तो मैंने किल जो है ना कंफर्म कर दिया था, लेकिन दूसरे वाला नहीं होता, बॉडी लगा था उसको भी गाइस, बट वो फिनिश नहीं हुआ। फिर हमने गधा गाड़ी उठाई, कर दिया रश और यहाँ पे एक बंदे के साथ मैं ट्रोल करने की ट्राई कर रहा था, बट हमारे जो टीममेट है ना किल के भूखे नंगे किल के लूट के हमारे टीममेट्स, बस क्या कहें। फिर हम यहाँ पर आए और इस बंदे ने स्मोक में फेंक दिया नेट ताकि मैं रश करके किल ना उठा पाऊँ। नहीं मतलब क्या। फिर मैं वापस आ गया भाई और फिर मैं एफ पी पी स्विच किया और स्मोक के अंदर एफ पी पी में गैस अच्छे से नज़र आता है टी पी पी की जगह, तो एफ पी पी करके स्मोक में घुसा और यहाँ हमें भाई साहब नज़र आए। बट एटक्स इतना ज़्यादा ओपन हो गया था, वो बंदा क्लोज था, तो दो ओम की शॉट मिस हुई, उसके बाद मेरी रीलोड लग जाती है ओम और फिर मैं लेट जाता हूँ। और गैस ये देखो बिल्कुल मेरे एम पर है वो, और जब वो मेरे एम पर था तो बिला वजह इसने ना हमारा तिल चोरी कर लिया। भाई हमने अपनी पहली मोहब्बत की तीन गोलियाँ जाया की इस बंदे पर और आपने ऐसा कर लिया। अब तो ना मोशन लग जाए और ऐसे टाइम पे लगें जब आपकी शादी हो रही हो। यस हम कहते इस बंदे को बॉडी मारता हूँ, दरख्त के पीछे आ चुका है और जब मैं उसको मारने जाता हूँ उसके टीममेट्स का साउंड आया लेफ्ट से और एकदम मेरी ज़िंदगी खतरे में आ गई। और बस यहाँ पे साउंड आता तो मैं मतलब एकदम डर गया, फिर मैं एफपी स्विच किया और घुस गया आगे। एक नॉक, दूसरा नॉक, अब आखिरी वही बचा है गाइस जो दरख्त के पीछे था। फौरन से गन स्विच की अपनी पहली मोहब्बत निकाली और कान के नीचे लगाया, हमें मिला गैस विनर, विनर चिकन डिनर। और ये भी एस का गेम प्ले था, 2 स्टार है गैस मेरा, लाइक मर गया था कल भी 2 स्टार हुआ था, मर गया था 1 स्टार हो गया था और आज से फिर हमने कर लिया 2 स्टार बाबा जी। और अभी टीडीएम में रहते, कहीं जाना मत पब्लिक। अब गैस हर बार क्या होता है टीडीएम में कि मैं अपने टीममेट के लिए फाइट करता हूँ, दो बार हम हार चुके हैं, बट आज का टीडीएम ऐसा है गैस, एक तो अरबी, दूसरा यूरोप का अरीना है और ऊपर से उनकी विंग आप देखोगे लाइक इम्पॉसिबल मैच ये था हमारे लिए जीतना, उनकी बहुत अच्छी लीड थी। और यहाँ पे आपके एनोनिमस ने, पिंडी बॉय ने अपनी टीम को कैसे जितवाया वो आप देख के हैरान हो जाओगे, तो थोड़ा सा फनी कमेंट्री करने का ट्राई करता हूँ। ओके तो यहाँ पर हमारे ऊपर आएगा नेट, हमारे पिछवाड़े में फटेगा ढाक करके, 1 2 3 बूम बम। ओ हाँ भाई सही है, एलियन ने मार दिया। फिर मैं एकदम राइट से जाता क्योंकि वो सब लेफ्ट से फाइट दे रहे थे और गाइज वो लोग ना हमें आगे निकलने नहीं दे रहे थे लीड में, मेरे टीममेट अच्छा खेल रहे थे बट वो लोग भी टॉप पर खेल रहे थे, वो लोग लीड में हमें आगे निकलने नहीं दे रहे थे। यहाँ पे 11-13 चल रहा है और मैंने यहाँ पे 12-13 किया, 5 किल हमारे हो चुके थे। अब मैं एकदम अलग खेल रहा था, वो लोग तीनों साथ में जुड़ के खेल रहे थे, मैं अलग एकदम अलग जा के मार रहा था। और ये बंदा आता है राइट से, बाबा जी आइए आपका वेलकम करते हैं हम। तो गाइस जंप बम करके इस भाई को मैंने डाउन किया, अभी भी 2 की लीड है उनकी और यहाँ पे उनकी विन स्ट्रिक जा रही थी जो रेड टीम थी, और मैं पीछे जाकर डिस्ट्रॉय कर दिया गाइस टीमों को, अल्हम्दुलिल्लाह। एक गया पीछे से पड़ी, मैं पीछे देखा ही नहीं भाई, मार रहा तो मार लेकिन इनकी स्ट्रिक तोड़ूंगा जिन्होंने मेरे टीममेट की बैंड बजा रखी है। और फिर उसने देखो ये वही था जो पीछे से उस टाइम से मारा था, और फिर मेरी यहाँ जिंदगी खतरे में, मुझे अच्छा लगा लाइक मैं अपने टीममेट्स की हेल्प कर दी बेचारों की, और जो उनकी स्ट्रिक थी रेड टीम की वो भी तोड़ दी। गाइस यहाँ पे देखो 4-3, 7 की लीड जा रही है 33-26 और यहाँ पे जो हमारा ये एक स्ट्रीक थी ना ये गेम चेंजिंग साबित हुई थी। और ये मैं 2 को डाउन किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके बाद एक नेड करेंगे शायद से कुछ हेल्प हो, लेकिन इससे हाँ मेरे टीममेट्स को ये हेल्प मिली थी कि वो जो एनिमी था वो डैमेज हो गया था, इसको डैमेज पड़ा था और उसको उन्होंने किल उठाया। अब भी गए 6 की लीड है, 4 किल उनको चाहिए, 10 किल हमें चाहिए और यहाँ पे आपके एनिमी की स्ट्रीक जो है ना वो काम दिखाएगी। एक गया, दूसरा गया, 4 की लीड रह गई उनकी गाइस। ओके 5 की लीड हो गई, दोबारा से 4 की लीड कर दी गाइस मैंने। इसको मैंने लो किया बट मुझे लगा ये जो है ना फिनिश हो गया, मैं पीछे आ गया, इस पर किल मिल जाता है मेरे टीममेट को। 2 की लीड रह गई गाइस, 1 की लीड रह गई,
और यहाँ पे आप देखोगे फ्री फायर का कमाल। अब देखो ये बंदा आपको नजर आएगा भाग के आ रहा है कंटेनर में, ये देखो ये आ रहा है भाग के, फ्री फायर देने लग जाओ, आइए और जाइए। दोबारा से फ्री फायर दे रहा था, एक किल चाहिए था हमें गाइस, और ऐसे एक इम्पॉसिबल मैच हम लोग जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चुम्मी ले लो गाइस, अब मेरी गीली लॉल। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे ना तो ऐसे ही प्यार दिखाना और सपोर्ट करते रहना, और बस दुआ में याद रखना गाइस। इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कर देना प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर देना। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, खाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, लव यू एनोनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।